दरभंगा एम्स को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हुआ शुरू। केंद्र विरोधी नारों से गूंज रहा कर्पूरी चौक स्थित धरना स्थल। केंद्रीय मंत्री के आगमन एवं आश्वासन के बाद टूटेगा अनशन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा कर्पूरी चौक स्थित पूर्व निर्धारित पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कल से आरंभ हो चुका है। अनशनकारियों ने बुलंद इरादों के साथ कहा है कि यह केंद्रीय शासन की गतिविधि मिथिला विरोधी है। एम्स को लेकर केंद्र व राज्य की सरकारें लगातार मूर्ख बनाते आ रही है। पिछले 8 सालों से एक पाले से दूसरे पाले करके लटकाने की साजिश कर रही है। मिथिला के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि केंद्र की मिथिला विरोधी सरकार मिथिला संबंधित किसी मुद्दे को पूरा होने ही नहीं दे सकते हैं। कैसे भी करके काम को लटकाएंगे ही। एम्स को 8 साल तक लटका के रखा है यह सरकार। लगातार मिथिला के साथ छल करने का काम किया है। देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई, हम लोग बार बार लगातार आंदोलन के माध्यम से सरकार को सजग कर रहे हैं कि भाई, मिथिला के लिए एम्स बहुत जरूरी चीज है। लेकिन पिछले 8 सालों से जो यहाँ की सरकार है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन दोनों ने मिलकर एक लड़ाई, जो देश की लड़ाई के कारण हम लोगों के एम्स को दबा कर रख दिया। आज हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा आखिर एम्स बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, किस जगह पर बनेगा। उसी के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि एम्स का निर्माण हो, ताकि जो गरीब से गरीब तबका लोग है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर हो गए, उन्हें सहूलियत मिले और एम्स में अच्छा इलाज उनको मिले, उन्हें किसी दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं होना पड़े। इसके लिए हम लोग बैठे हैं ताकि एम्स का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। देखिए, ये सियासी खेल मिथिला के साथ आज एम्स को लेकर ही नहीं खेला जा रहा है, ये पूर्व से भी खेला जा रहा है। मिथिला के तमाम योजनाओं को जानबूझकर अटकाया जाता है। ये मगध की सरकार, ये जो लालू नीतीश की सरकार है, ये लोग मगध की सरकार, ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो एम्स है, बिहार का जो दूसरा एम्स दरभंगा को मिला है, इस एम्स को कहीं ना कहीं उठाकर हम मगध में ले जाए, गया ले जाए, नालंदा ले जाए, अपना गृह जिला ले जाए। इसके लिए वो लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग कह देना चाहते हैं कि नौजवान की टोली मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़ रहा है और तब तक लड़ेगा जब तक दरभंगा का एम्स का निर्माण नहीं हो जाता। क्योंकि जय मिथिला, आज तो कर्पूरी चौक पर परिसर है, मैदान में हम लोग दरभंगा ने अभी तो संपूर्ण मिथिला के अप्रतीक्षित मांग जाय मांग के लिए हमरा लोग पिछला 8 साल से सपना देख रहा छी, दिन रात ताक रहा छी कि कहिया वो दिन एतै जहिया हमरा सबके सपना साकार हेतै। ओहि सपना के पूरा करबा के लिए एक फेर से संघर्षक रास्ता पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने तो आमरण अनशन के शुरुआत कर चुकल छै। आज अनशन स्थल पर अनशन पर बैसल हम तमाम क्रांतिकारी साथी लोग के क्रांतिकारी अभिनंदन करे छी। साथी, एक तो बात सोचे वाला छे, हम सब बार बार कहे छी, अरे खंड संबोधन के क्रम में हमरा सत्यमन सक्सेना भाई कह रहा छला कि फर्क नहीं पड़े छे कि यहाँ कौन दल, कौन राजनीतिक पार्टी के, कौन विचारधारा के समर्थक छी। लेकिन जखन आम जनमानस से जुड़ल विषय आवे छे, वो चाहे शिक्षा से जुड़ल विषय होए, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ल विषय होए, तो ओकर हित में अहित समाज के हरेक जाति धर्म वर्ग, हरेक दल पार्टी और विचारधारा से वास्ता रखे वाला लोग पर समान रूप से असर डाले छे। अहां ई बात के सोच के देखियो कि आज से 2015 ईस्वी में केंद्र में बैसल सरकार आई बात की घोषणा करते कि बिहार में दोसर एम्स बनते और वही के बाद ये सुनिश्चित भले कि वो एम्स दरभंगा में बनते। 2015 के बाद कोई के समय पर, कोई समय पर जो अन्य एम्स घोषित भले, वो एम्स के निर्माण पूरा भले, कोई एम्स में चिकित्सा सेवा पूरा भ गए, कोई एम्स से पढ़ के कतेको बैच पास आउट कर गए, एम्स से फिर डॉक्टर से बन गए। लेकिन एक दरभंगा में, एक मिथिला में जो एम्स के घोषणा भले, आज 8 साल के बादो हम सब पूरा लाइन से केवल सपना मात्र देख रहा छी। हमरा सबके पेंडुलम जका कि वो लटका के इमहर पठा दैया, कि वो कखनो कर्पूरी चौक पठा दैया, कि वो कखनो हाया घाट अशोक पेपर मिल पठा दैया, कि वो कखनो शोभन में पठा दैया। हम सब एक बात के कहे छी कि हमरा सबके फर्क नहीं पड़े कि एम्स कतो बनते, लेकिन हमरा सबके एक बात से जरूर फर्क पड़े कि अगर वो एम्स के निर्माण के दिशा में
एकटा मिथिला के वासी छी, एहि क्षेत्र के एकटा लोक छी, तऽ एहि नाते अहाँ के सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी बनैया कि हम सब सबसे पहले इंकलाब के स्वर बुलंद करी कि केंद्र और राज्य में बैसल सरकार आपस में समन्वय स्थापित कऽ के एम्स के निर्माण के दिशा में अपन कदम के आगा बढ़ाबू।